बिग बॉस 2 ओटीटी विनर और यूट्यूबर एलविश यादव बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं। दरअसल मेनका गांधी के ऑर्गेनाइजेशन पीएफए ने एलविश यादव पर सांपों की तस्करी करने और रेव पार्टी करवाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। 3 नवंबर को हुई शिकायत के बाद मेनका गांधी ने हाल ही में दिए एक रेस्टोरेंट में एलविश को सांप तस्करों का सरगना बताया, जिसके जवाब में अब एलविश उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवाएंगे। हाल ही में एलविश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो जल्द ही मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं। वीडियो में एलविश कह रहे हैं, हम पर तो इल्जाम लगा दिया, मेनका गांधी ने तो मुझे सांपों का सरगना कहा, पता नहीं ये होता क्या है, होता होगा कुछ सांपों का हेड, सांप बेचने वाले सप्लायर्स का हेड, एक डिफेमेशन का केस आएगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं, अब मैं इन चीजों में एक्टिव हो चुका हूँ। आगे एलविश ने कहा, पहले मैं सोचता था कि कुछ नहीं करते, छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें इन सब में, लेकिन जब इमेज खराब होती है ना, बड़े गंदे तरीके से होती है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे जज मत करना, इंतजार करना जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, कुछ सोच कर बोल रहा हूं। पुलिस भी कहेगी और प्रेस स्टेटमेंट भी रिलीज होगी, जिसमें लिखा होगा कि एलविश यादव का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।